श्री कृष्णा, कैसे हैं भक्तों? आप सब आई हो अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, आप पहले दर्शन कर लीजिए लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के, और ये केशव और केशवी के। तो भक्तों, आज की वीडियो है कि हमें लड्डू गोपाल जी या फिर कृष्ण भगवान जी के हमें पीठ के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो वही है, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता, तो इसलिए उनको नहीं पता है, तो आज की वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि उनको भी पता चल जाए हमें लड्डू गोपाल जी के पीठ के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। तो भक्तों, आप जब भी कृष्ण जी भगवान के मंदिर में जाएं, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि हमें कृष्ण जी की मूर्ति के पीठ के दर्शन नहीं करने हैं। पीठ के दर्शन ना करने के संबंध में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक कथा है, और कथा के अनुसार ही जब श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तब जरासंध का एक साथी असुर काल्यवान भी भगवान से युद्ध करने आ पहुंचा, और काल्यवान श्री कृष्ण जी के सामने पहुंचकर ललकारने लगा, तब श्री कृष्ण वहां से भाग निकले। इस तरह रणभूमि से भागने के कारण उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा। जब श्री कृष्ण भाग रहे थे, तब काल्यवान उनके पीछे पीछे भागने लगा। इस तरह भगवान रणभूमि से भागे, क्योंकि काल्यवान के पिछले जन्मों के पुण्य बहुत अधिक थे, और कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं देते जब तक पुण्य का बल शेष रहता है। भक्तों, काल्यवान श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे भागने लगे, और इसी तरह उसका अधर्म बढ़ने लगा, क्योंकि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है, और उसके दर्शन करने से हमारा अधर्म बढ़ता है पीठ के दर्शन करने से। जब काल्यवान के पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया, कृष्ण जी एक गुफा में चले गए, जहां मुचुकंद नामक राजा निद्रासन में था। मुचुकंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाएगा और राजा की नजर पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। काल्यवान ने मुचुकंद को कृष्ण समझकर उठा दिया, और राजा की नजर पड़ते ही राक्षस वहीं पे भस्म हो गया। इसलिए हमें भगवान की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है और अधर्म बढ़ता है। कृष्ण जी के हमेशा ही मुख के ही दर्शन करने चाहिए। तो इसलिए कहते हैं, हमें कृष्ण जी के पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, हमेशा ही मुख के दर्शन करने चाहिए। तो यही है एक छोटी सी कथा पीठ के दर्शन के, श्री कृष्ण जी भगवान के पीठ के हमें दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इसी में मैं बता देती हूँ, सब पूछते हैं इसी वीडियो में, मैं आपको एक दो क्वेश्चन के जवाब दे देती हूँ। जो मेरे लड्डू गोपाल जी का बैड है, सभी पूछते रहते हैं कि मैम आपने कहाँ से खरीदा है और कितने का लिया है। तो भक्तों, मैंने ये खरीदा नहीं है, मैंने ये बनवाया है। मेरे ही घर के पास शॉप है जहाँ पे बेड वगैरह बनते हैं, सोफे वगैरह बनते हैं, तो ये मैंने वहां से बनवाया है। और ये मेरे को पड़ा था, आपको मैं दिखा देती हूँ। एक तो ये बेड है, और एक ये मैंने सिंहासन भी बनवाया इनका, लड्डू गोपाल जी का। तो मैंने ये बनवाया था 5500 रुपए का, और काफी मजबूत है, आप ये देख सकते हैं, काफी मजबूत है ये बेड। प्लाई भी अच्छी लगवाई है हमने, ये हमने खुद ही पसंद करके लगवाई है। इसमें जो लकड़ी वगैरह प्लाई वगैरह लगवाई है, खुद ही पसंद करके लगवाई है। तो ये हमें पड़ा था 5500 का। तो काफी लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ये बेड मैंने अपने घर के पास जो शॉप है वहां से लिया है, और रेट मैंने बता ही दिए हैं। तो भक्तों, ये आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे आपसे फिर दूसरी वीडियो में। और भक्तों, मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, वहां पे मेरे लड्डू गोपाल और मेरे राधा रानी की वीडियो डालती है। वहां पे आप वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की वीडियो देख सकते हैं। तो मैं वो जो अपनी आईडी है, इंस्टाग्राम की आईडी है, स्क्रीन पर डाल दूंगी, तो आप वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो करते हैं एंड। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।